मैं बिल्कुल भी आ, एक वो जो फ़ोटो कापी हुआ व छपा हुआ परफॉर्मा है ना लोगों को मिल जाता है बीस साल में ये फलाने में मैं नहीं कर सकती भाई मुझसे ना हो पाएगा मुझसे बचपन में भी नहीं हुआ था मैं छपी हुई फ़ोटो कापी नहीं okay. ले कर चल सकती लाइफ में मेरे रिश्ते भी अपने बनाए हुए थे मेरा छोटा भाई आप समझते वो मेरा अडोप्टेड भाई था मेरी उससे मुलाकात हुई थी उसकी उम्र थी पंद्रह साल और मेरी उम्र थी बीस साल और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम आज से बहन भाई हैं आप सही बता दी हाँ और okay. दस साल हम दोनों ने एक साथ गुजारे अपनी जिंदगी के उसका हुआ। तो मैंने अपनी जिंदगी में इस सारी चीजें अपनी मर्जी से चूज हैं, ढूंढ के दुनिया में होगी मेरी जिंदगी क्या होगी हो तो ऐसे लोगों के लिए ना तो वैसे किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मेरा आइडिया ऑफ शादी मोहब्बत दोस्ती उसके पैमाने ही फर्क है मेरे लोग अक्सर लोग कहते हैं यार दोस्ती में ही सब कौन करता है मैंने कहा तो फिर क्या करते हैं तो so, तो you know yes. so, <laughs> हादी से वो मुलाकात और उस वक्त का वो जो दौर था वो बहुत uh, नफीस आदमी है hmm. हादी एक बहुत बेतहाशा बड़े दिल का जेनरस hmm. और बेहतरीन शख्स है इज अ वेरी गुड स्पेसमन ऑफ ह्यूमन बींग Okay. मेरा नहीं था ख्याल कि मुझे ज़िंदगी में इस किस्म का शख्स टकरेगा तो उम्र पैसे काम क्या करेगा क्या कमाएगा ये तो मेरी कभी मोटिवेशन ही नहीं थी ना मैंने ज़िंदगी में खुद काम नहीं किया पैसे की वजह से तो मैं इसको अब कनेक्ट करने लगी हूँ बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन ये है कि राबिया ये कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ हम पहले ये सोचें आप शादी की मोटिवेशन क्या है भैया आपकी हमारे यहाँ सबकी शादी की मोटिवेशन ही इतनी क्या है मोटिवेशन शादी की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए क्या देखते हैं हम शादी करते हुए अक्सर एक नॉर्मल आम उसमें निकलते हैं ना लड़की गोरी हो प्यारी हो होगढ़ हो पतली हो सुटेड हो, हो, हो. हो. एजुकेटेड भी हो लेकिन काम, काम शायद काम ना भी ना काम नहीं कर रहे हैं ये सॉरी जजमेंट नहीं है बट इससे हमने डिटरमिन कर लिया कि हमारे आने वाले बच्चे खूबसूरत होंगे खूबसूरत बहू से पढ़ी लिखी होगी तो बेहतर तरबियत करेगी और उसके अलावा जी क्या कम उम्र होगी तो बच्चे भी पैदा कर लेगी सेटल तो भी आराम से सब हो जाएगा आराम से सब जाएगा। हो जाएगा ये हमने डिसाइड कर लिया घर से काम नहीं बाहर काम नहीं करेगी तो घर पे ज्यादा ध्यान देगी ये हमने अपने प्री कंसीव्ड सुपरफिशियल नोशंस पे ये हमारी मोटिवेशन दें टोटल लड़की वालों की क्या मोटिवेशन है कमाता कितना है घर अपने नाम है गाड़ी है नहीं है नंदे हैं या नहीं है लड़की क्या चांसेस हैं कि सब हमारी बेटी खुशहाल रहेगी आपको रिस्क शोहर ने देना है कि अल्लाह ताला ने देना है मतलब तो ये मोटिवेशन ही नहीं मुझे कभी समझ ही नहीं आई कभी ये मेरे मैार ही नहीं था जिंदगी में तो मैं जो मोटिवेशन की बात करती हूँ ना तो चाहे वो आपका करियर है चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हैं सॉरी मैं बात बड़े जज्बाती से अंदाज में करती हूँ लगता तो नहीं रहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ ये बात तय करें पहले कि आपकी एज एन इंसान क्या औकात है आपकी क्या मोटिवेशन है hmm. आप तो बंदे ही ठीक नहीं है अगर आपकी मोटिवेशन ठीक yeah. नहीं है hmm. तो आप क्या दुनिया को और नसीब को और मुकद्दर को और असूलों को और माशरे को कोस रहे हैं yeah. आपकी अपनी मोटिवेशन ठीक नहीं है अच्छा आपकी मोटिवेशन मेरी मोटिवेशन तो ठीक है लेकिन मैं घर वालों का क्या करूँ लड़ो और क्या करो समझ आ रही है ना कुछ खुदा ने शूर दिया है अंडरस्टैंडिंग दी है तो जो अपनी मोटिवेशन अगर ठीक लगती है और लगता है कि इर्द गिर्द के लोग गलत बात कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं तो फिर हौसला रखें अपनी मोटिवेशंस पे चलने का उनको वो जो जद्दोजहद चाहिए उनको सही साबित करने के लिए और माशरती रवैयों का रुख मोड़ने के लिए फिर वो भी करें ना इतने लूसी लेजी पड़े हुए होते हैं लोग चाहिए उनको दुनिया में सब कुछ वर्कआउट करता हुआ no. ऐसे तो नहीं होता सो आई विल टेल यू अराउंड द टाइम आई डिसाइडेड टू मैरी हादी उससे बिल्कुल पहले मेरा एक बहुत इंटेंस ब्रेकअप हुआ तो मैं आई वॉज सींग एंड आई वॉज सींग अदर पीपल मैं अपना काम कर रही थी और अपना मेरा बहुत इंटेंस ब्रेकअप हुआ मैं बहुत परेशान हो गई बहुत ज्यादा तरीके से टूट गई मतलब दो चीजें साथ हुई you उसके और मुझे उसके उसके अच्छा। अच्छा ना मोहब्बत के मामले में ना मैं आ, 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 नाकाम शख्स मोहब्बत okay. में नाकामी जो है वो मेरा नसीब रही है उस तरह के मैं मोहब्बत में सही बंदे की तरफ लेकर आ रहा था आप देखें तो ये आप सोचें तो क्योंकि और, और शायद मैं ये भी कहूँगी जो लॉस है उसको कोई उसका उसको कोई आ, उसकी कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन हर वजह से उसकी कोई वो नहीं है मैं उसे किसी तरीके से भी कंसोल नहीं कर सकती आपके लिए लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मे बी कभी कभी अल्लाह ये चीज़ें लेके ना आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दे देता है मे बी अब्दुल हादी इज़ ताला ने आपको बेशक ये अल्लाह ताला ने किया है और इसका प्रोसेस लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ अब्दुल हादी नहीं मिला मुझे या इबन आदम नहीं मिला इस प्रोसेस में मैंने खुद जो इवॉल्व किया ना मुझे बेसिकली वो मिला ओके okay. वो ये, ये बहुत खूबसूरत बात बोली अहम बात कि अपने मैार बदले वेर एम आई मेकिंग द मिस्टेक कहा okay, हम इस पे आएंगे वे आर यू मेकिंग द मिस्टेक ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, हाँ, है हाँ, लेकिन उससे पहले आप ब्रेकअप की बात कही थी वी विल गो बैक टू ब्रेकअप हुआ हाँ, वो मेरे पे एक अजीब सा और मैं मजीद डिप्रेशन में चली गई खा खा के मोटी पे मोटी होती जा रही थी आई वाज गोइंग नट्स हाथ सेरा ही नहीं मुझे हाथ आ रहा था ना कोई जिंदगी का कि क्या हो रहा है टू मच डिप्रेशन ओवर और उसके दौरान ही किसी एक दिन मैं और हाथी बैठे हुए थे

और आपको अट्रैक्शन फील हो रही थी हाँ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो मुझे फील हो रही थी वो ये फील हो रही थी जहनी तौर पे कंपैटिबिलिटी यस ओके कि एक बंदा जो है ना um, अभी आज पाँच साल हुए मेरी शादी को अभी वो पॉइंट पे आ गया है कि मैं तो कुछ भी नहीं अब घर में करती ही इज द वन हु पेज फॉर एवरी थिंग जस्ट फाइव ईयर्स दैट ही गॉट हिज जॉब्स ही प्रोग्रेस आई एम नॉट रिस्पॉसिबल फॉर आर लिविंग इवन पार्शली एनीमोर जो पहले मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करती थी ना मुझे वो भी नहीं करना पड़ता कि सब हो, हो जाता है hmm. लेकिन जो सबसे अहम बात थी उस वक्त जो मेरे लिए स्ट्राइकिंग फोर्स थी ये इंसान जिससे आप शादी का फैसला करने जा रहे हैं सबसे अहम सवाल क्या ये आपके अच्छे बुरे तमाम तरह के बिलीव्स आपके लाइफस्टाइल, आपके माजी आपके हाल और आपके मुस्तबिल के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ है ओके। okay. क्या ये उनको समझता है hmm. और क्या ये काबिल एतबार शख्स है एज अन बींग ठीक है मैंने उसे कभी किसी से फ्रॉड करते नहीं देखा था मैंने उसे कभी किसी से झूठ बोलते नहीं देखा था मैंने उसे चोरी करते नहीं देखा था एक तीन एक साल का अरसा hmm. गुजरा था और उसके ऊपर ये जो पहले मैंने चीज़ें गिनमारी हैं ये पूरी थी मेरे लिए इनाफ़ था